तो दोस्तों ऑनलाइन लेक्चर के लिए या फिर ऑनलाइन मीटिंग के लिए जूम एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन में ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वो आपको अक्सर आती होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाने वाला हूँ, वो सेटिंग अगर आप जूम मीटिंग शुरू होने के बाद करोगे तो ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वो आपको कभी भी नहीं आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो फोन दिख रहे होंगे, लेफ्ट वाला जो फोन है वो पार्टिसिपेट का फोन होगा और राइट वाला जो फोन है वो यहाँ पे होस्ट फोन होगा। होस्ट का फोन इसका मतलब ये है कि जो मीटिंग अरेंज कर रहा है उसका ये फोन है, और लेफ्ट वाला जो फोन है वो जो मीटिंग यहाँ पे देख रहा है, यानी मीटिंग में जो भी कुछ यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है वो लेफ्ट वाले फोन में आपको दिख जाएगी। तो पार्टिसिपेट के फोन में ऑडियो का जो प्रॉब्लम आ जाता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक मीटिंग जो है वो अरेंज कर रहा हूँ, स्टार्ट मीटिंग पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग इस प्रकार से दिखा रहा है। तो एक बार ये जो कनेक्टिंग हो जाएगा यानी सर्वर पर ये कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, पार्टिसिपेट पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे जो इनवाइट की लिंक आ जाती है, यानी हमने जो मीटिंग अरेंज की है उसकी जो इनवाइट की लिंक है वो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी इनवाइट लिंक पे क्लिक करूँगा, यानी ये जो लिंक है हमारी कॉपी हो जाएगी। अब कॉपी होने के बाद हम क्या करते हैं, जिसे मीटिंग में अरेंज करना है उसके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और वहाँ पे ये जो लिंक है पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर ये जो मेरी लिंक है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो जैसे ही ये जो लिंक है, लेफ्ट वाला फ़ोन वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, जब व्हाट्सएप पे चला जाएगा और ये जो लिंक है इस लिंक पर वो जब टैप करेगा तो उसका उसके मोबाइल में जूम ये जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट वाले फ़ोन में देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। तो मैं फिर से व्हाट्सएप पे चला आऊँगा, लेफ्ट वाले फ़ोन में फिर से व्हाट्सएप पे चला आऊँगा और उसी लिंक पर मैं फिर से टैप करूँगा तो फिर से मेरा जूम एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे खुलने वाला है। तो खुलने के बाद यहाँ पे होस्ट वाले फ़ोन में, राइट वाले फ़ोन में उसको एडमिट करने के लिए एक जो पॉपअप है वो खुलने वाला है। ठीक है, तो हम एडमिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो एडमिट पे क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट वाला फ़ोन राइट वाले फ़ोन के मीटिंग से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मीटिंग जो है हमारी शुरू होने वाली है। तो कनेक्टिंग ऐसा दिखा रहा है, कनेक्टिंग के बाद ये जो मीटिंग है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम मीटिंग को शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक ऑडियो का जो प्रॉब्लम है वो अक्सर आपको आ जाता है। तो आपको करना ये है कि ये लेफ्ट वाला जो फ़ोन है, नीचे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में ज्वाइन ऑडियो इस प्रकार से एक टैब होती है, उस पर आपको टैप करना है। जैसे आप ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करते हो तो कॉल ओवर इंटरनेट का एक और एक टैब आ जाता है, उस पर आपको टैप कर लेना है। तो जैसे आप टैप करोगे तो आपका जो ऑडियो का प्रॉब्लम जो आ रहा था मीटिंग में, यानी होस्ट वाले फ़ोन का जो प्रॉब्लम आ रहा था, यानी उनका ऑडियो आपको सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है इस प्रकार से आप ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करोगे, कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब कभी भी आप जूम पर मीटिंग अरेंज कर रहे हो या फिर जब आप पार्टिसिपेट हो रहे हो तो इस प्रकार से जूम के लेफ्ट कोने में जाइए, नीचे वाले कोने में जाइए और ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कॉल ओवर इंटरनेट पर क्लिक कीजिए, तो आपको ये जो ऑडियो का प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आ रहा है वो प्रॉब्लम यहाँ पे 100% आपको फ्यूचर में इस प्रकार से ये जो मीटिंग है आप जैसे ज्वाइन करोगे तो इस प्रकार से सेटिंग करोगे तो प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगा।